राजस्थान के जोधपुर में बारिश रुकी लेकिन मुसीबत बरकरार है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलोनी में भरा हुआ है पानी, कारें अब तक डूबी हुई हैं। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ के बीच फंस गई एक बस। बस में 30 लोग सवार थे, सबकी जान फंस गई। समय रहते सबको बचाया गया है। जोधपुर में तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हुए हैं। श्रीनगर में तेज बारिश और आंधी आई, कई जगह पानी भर गया, कार पर पेड़ गिरा, एक शख्स घायल। कई जगह खंभे गिरने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। तेलंगाना के साइबराबाद में डूबे रास्ते को पार कर रहा एक बाइक सवार फंस गया, बाद में किसी तरह उसकी जान बचाई गई। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज बारिश के बाद नदियों में पानी बढ़ गया है। चंदेर घाट पर मंदिर डूब गए, एहतियातन यहां पुल पर आवाजाही बंद की गई है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी में डूब गया एक पुल। पुल पर पानी ही पानी दिख रहा है, यातायात पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश की वजह से बड़े स्तर पर फसल को नुकसान पहुंचा है। गन्ना और सोयाबीन के खेतों में भर गया पानी, यहां आसना नदी में बाढ़ आई है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता की तलवार और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। हत्यारों का कोई सुराग नहीं है, लेकिन हत्या से पहले बीजेपी नेता प्रवीण ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का विरोध किया था। दावा है कि बीजेपी नेता प्रवीण को मारने हत्यारे बाइक से आए थे। अंतिम यात्रा में आज भारी भीड़ पहुंची। हत्या के बाद से ही कल रात से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या केरल बॉर्डर के पास हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोले केरल पुलिस के संपर्क में है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा केरल के पीएफआई संगठन की भी होगी जांच। पीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में, केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या से गुस्सा ऐसा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, गाड़ी को रोका, बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके सबको भगाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।